टॉमी वर्सिटी। हाँ रहने दो, वो कुछ नहीं कर पाएगा। लोग उसे भूल गए हैं, लोग उसे फिर से याद करने लगेंगे जब वो अपने दोस्तों के साथ चलेगा, और ये बात हमारे बिजनेस के लिए ठीक नहीं। तो अब हमें क्या करना चाहिए सोनी? हम उसे एक पुराने दोस्त की तरह देखेंगे और उसे शहर के बाहर बिजी रखेंगे। तो हम साउथ पे कब्जा करने की बात कर रहे थे, वाइस सिटी आज सोना उगल रहा है और कोलंबियन और मैक्सिकन कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और ये अच्छी बात है। ये सब ड्रग्स के लिए कर रहे हैं सोनी, ये फैमिली का इसे कोई भी टच नहीं करेगा। वक्त हमेशा बदलता है, फैमिली को इसमें आना पड़ेगा जब हमारे दुश्मन हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तो हमें किसी को भेजना पड़ेगा हमारे इस काम को पूरा करने, और हम यहाँ आराम करेंगे, ठीक है? टॉमी को लेने कौन जाएगा? केन रोसेनबर्ग। ये वकील क्या टॉमी को संभाल पाएगा? इससे हमें क्या, हमें टॉमी को वाई सिटी से भगाना है, चाहे जो भी हो जाए, समझे? तो उसे भगा दो, कुछ पैसे दो, फिर देखो 2 महीने में वो यहाँ से भाग जाएगा। हे टॉमी, मैं केन रोसेनबर्ग हूँ और तुम्हारा वकील हूँ, तो मैं तुम लोगों को डील करवाने ले जाऊंगा, ठीक है? मैंने सप्लायर से बात कर ली है, वो आ रहे हैं, वो बिजनेस रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो सब ठीक रहा तो हमारे लिए ही अच्छा होगा, ठीक है? चलो अब चलते हैं डील करने दोस्त। ठीक है, सप्लायर हेलीकॉप्टर में है, तो डील ये है, वो सीधे पैसे मांगेगा, ठीक है? होशियार रहना, चलो जाओ। माल लायो। 100% ग्रेड ए का कोलंबियन माल है मेरे दोस्त, अब मेरे को हरी पत्ती दिखाओ। देख लो दोनों बैगों में भर के पैसा। मेरे को लगता है डील पूरा हुआ मेरे दोस्त। अबे अबे अबे, अबे यार गोलियां चल रही हैं। शिट यार, गोलीबारी हो रही है, भागो यहाँ से। मैं बाल बाल बच गया, मेरे सर के पास से गोली गुजरी, बस एक सेकंड के लिए बच गया, नहीं तो मर जाता आज। जाओ अब जाके आराम करो। तो तुम क्या करोगे? मैं कल तुम्हारे ऑफिस आऊंगा और फिर हम इस गड़बड़ी को सॉल्व करेंगे, ठीक है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम। तो दोस्तों ये है GTA Vice City का पहला मिशन, और यार अभी हमारा माल चोरी हो चुका है यार। हम पैसे दे के ड्रग्स लेने लगे थे और रास्ते में किसी ने हमला कर दिया है। हमें नहीं पता कि वो आदमी था कौन जिसने हमला करवाया है, और हमारा सारा पैसा चोरी हो चुका है क्योंकि उस वक्त फायरिंग हो गई थी, तो हम वहाँ से भाग गए थे। और अभी यार मुझे बहुत टेंशन है क्योंकि वो पैसा हमारा नहीं था गाइस, वो हमारा पैसा बिल्कुल नहीं था। वो पैसा मेरे बॉस ने दिया था कि तुम जाओ और डील करो और जाके ड्रग्स लेके आओ, और गड़बड़ी हो गई गाइस, बहुत बड़ी गड़बड़ी यार। अब तो मुझ पर इल्ज़ाम आ सकता है यार, अब मैं क्या करूं? तो अभी मैं जाके अपने बॉस से बात करता हूं और उसे सारे इस मामले के बारे में बताता हूं कि हमारे साथ क्या हुआ है। उम्मीद करता हूं कि वो गुस्से में नहीं होगा और हमारी बात मान लेगा। गाइस वो रकम बहुत बड़ी थी यार, पहले मैं सेव गेम कर लूँ। तो बॉस को बताते मुझे डर लग रहा है यार, चलो अभी जाके बताता हूँ उसे। हे टॉमी मेरे दोस्त, तो डील का क्या हुआ? डील फेल हो चुकी है। मैंने सुना है कि डील फेल हो चुकी है और हमारा सारा पैसा जाया हो चुका है। हाँ तुमने सही सुना। और क्या, हमारा पैसा किधर है? पैसा यार उधर रह गया, मैंने उठाया ही नहीं वो पैसा। क्यों नहीं उठाया पैसा? वो मेरा पैसा था, मेरा। मुझे पता है कि वो पैसा तुमने जरूर उठाया होगा वहां से। अरे यार वो पैसा मैंने वहां से नहीं उठाया। टॉमी वो पैसा तुम चुप करके मुझे वापस कर दो। वो पैसा वहीं पर रह गया है।
और वो लोग लेके चले गए वो पैसा। मुझे पता है टॉमी, तुम एक बहुत बड़े चोर हो। अरे यार कैसे समझाऊं तुम्हें, कैन से ही पूछ लो, वो तुम्हारा वकील है ना कैन। टॉमी झूठे कहेंगे, पैसा तुमने उठाया साला। चुप करके मेरा पैसा वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ साले धोखेबाज, तुमने वो पैसा अपने कब्जे में कर लिया और मैं वो पैसा वापस लेके छोड़ूंगा, इसलिए शराफत के साथ तुम वो पैसा मुझे वापस कर दो। शिट यार। तो यार यहाँ पे तो एक अलग ही मसला खड़ा हो गया यार, मेरा बॉस मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि तुमने पैसा चोरी करवाया। यार गाइज आप ही बताएं, कमेंट में ही बता दें मैंने पैसा चोरी करवाया। मैंने क्या करना है उस पैसे का, हम तो डील कर रहे थे और कुछ गुंडे वहाँ पर छुप के बैठे हुए थे जिन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया। अब मैं बॉस को क्या जवाब दूँ यार, वो तो मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहा है। बड़ा गुस्सा दिलाया यार इस बॉस ने भी मुझे, बहुत गुस्सा दिलाया। तो यार बहुत टेंशन है यार, मुझे भी फंस चुका हूँ यार मैं। तो अभी मैं चलता हूँ कैन के पास और देखता हूँ कि वहाँ क्या मामला है। तो चलते हैं कैन के पास। तुमने मुझे कहा था कि जाके सो जाओ, लेकिन मैं डर के मारे रात भर इस चेयर पे बैठ के कॉफी पीता रहा, मुझे नींद बिल्कुल नहीं आई। ये एक मुसीबत है, हम बेवकूफ बन गए हैं, ये बंदर अब फिर यहाँ आएंगे और मुझे मार डालेंगे। अब मैं क्या करूं, मैं इसके लिए वकील नहीं बना, अब हम क्या करेंगे बोलो। कुछ नहीं बचा हमारे पास, कुछ नहीं, कुछ नहीं। खामोश हो जाओ और आराम से बैठ जाओ कुर्सी पर और मुझे कुछ सोचने दो यार। तुम खोज के बताओ कि हमारा माल लूटा किसने है, फिर मैं उन्हें मार डालूंगा। ये अच्छा आइडिया है, मुझे सोचने दो। अच्छा, वो एक रिटायर कर्नल है जो हमारी मदद कर सकता है। और हाँ याद रखना, वाई सिटी के गुंडों से बच कर रहना, ठीक है। अब सुनो, आज कर्नल पार्टी कर रहा है अपने महंगे जहाज पर और वाई सिटी के सभी बड़े प्लेयर वहाँ पर आने वाले हैं। मुझे भी उसने पार्टी में इनवाइट किया है, पर मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहता और मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। अबे यार चुप हो जाओ, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। हे 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 टॉमी रुको, तुम कैसे जाओगे इस ड्रेस में? तुम उस पार्टी में नहीं जा सकते क्योंकि ये अमीरों की पार्टी है। और तुमने अपने कपड़े देखे हैं? क्या हुआ मेरे कपड़ों को, ठीक तो हैं? अरे नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, गरीबों वाले कपड़े। ये लो मेरा शॉपिंग कार्ड, जाके शॉपिंग करो, ऐश करो, मजे करो। ठीक है, थैंक यू। तो गाइस कैन ने मुझे बताया कि एक कर्नल है जो समंदर किनारे अपनी एक महंगी ट्रेन शिप पर, मतलब कश्ती पर पार्टी कर रहा है और उसने इनविटेशन भेजी थी कैन को, लेकिन कैन नहीं जाना चाहता और उसने इनविटेशन टिकट मुझे दे दी है। तो कैन की जगह पर मैं वहां पर जाऊंगा और देखूंगा कि क्या हालात है वहां पर और देखता हूं कि क्या वो हमारी मदद करता है कि नहीं। तो जब तक मैं वहां पहुंचूंगा तो तब तक कैन उसे फ़ोन पर सब कुछ बता देगा। तो मुझे सबसे पहले नया सूट पहनना पड़ेगा क्योंकि ये सूट मेरा सही नहीं है, क्योंकि ये गरीबों वाला सूट है गाइस और वहां पर तो सारे अमीर होंगे। तो अभी मैं जाके अपना एक नया सूट ख़रीद लूँगा। अरे वाह क्या सूट है यार, मज़ा ही आ गया। क्या बाइक है यार, मुझे ये बाइक चाहिए। तो यार मुझे ये बाइक बहुत पसंद आ गई है, तो ये बाइक मैं फटाफट से लेके यहाँ से भाग जाऊँगा। अबे मेरी बाइक। अबे चल बे। तो गाइज क्या बाइक है यार, इस बाइक के लिए तो एक लाइक बनता है यार। तो अभी मैं चलता हूँ उधर समंदर किनारे जहाँ पर पार्टी चल रही है और हम भी वहाँ जाकर पार्टी करेंगे गाइज। तो कैसा लग रहा हूँ मैं, अमीर लग रहा हूँ? मेरा सूट देखें गाइज, बहुत महंगा लिया सूट क्योंकि पैसा मेरा नहीं था, मुझे तो कैन ने शॉपिंग कार्ड दिया है तो मैंने महंगा ट्रेन सूट लिया। और बाइक चेक करें गाइस, लोग तो मेरे बाइक को देख के हैरान हो जाएंगे। गुड इवनिंग, मैं समझ गया हूँ तुम कैन रोजनबर्ग की तरफ से आए हो। उम्मीद करता हूँ कि उसकी तबीयत भी ठीक होगी और दिमाग भी ठीक होगा। आपका नाम? टॉमी वर्सिटी। कैन रोजिंगबर्ग को भीड़ से बहुत डर लगता है,
बहुत अच्छे। वैसे तुम करते क्या हो? फिलहाल तो मेरे पास कोई काम नहीं है। कैन ने मुझे फोन पर सब बता दिया है। ये तुम लोगों की बदकिस्मती है कि तुम्हारे साथ ये काम हो गया। और हाँ टॉमी, मेरे साथ ऐसा वाकया कभी नहीं हुआ। मेरे बाल ऐसे धूप में सफेद नहीं हुए। तुम्हें भी आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस समझ आ जाएगा। आओ मैं तुम्हें अपनी बेटी से मिलवाता हूँ। मर्सिडीज, क्या तुम हमारे मेहमानों को संभालोगी जब तक मैं अपना काम कर लूं? क्यों नहीं। Hey, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है टॉमी, टॉमी वर्सिटी। अरे टॉमी, आओ मैं तुम्हें अपने कुछ मेहमानों से मिलवाती हूँ। वो देखो, वो है वाई सिटी का स्टार, उसका नाम है बीजे। अरे वाह, क्या बात है। और वहाँ देखो, वो है वाई सिटी का फेमस सिंगर, और वो है हमारा मेयर, और ये है फिल्मों का डायरेक्टर। देखो इसे, बहुत फनी आदमी है ये। मैं ऐसे फिल्म बना रहा था, बनाते बनाते मैंने उसको कहा कि ऐसे शूट करते, फिर वो कहता नहीं यार, रीटेक क्यों करवा रही हो? मैंने कहा फिल्मों में तो रीटेक होगा ना, ऐसे तो नहीं फिल्म बन जाती। कर्नल, तुम्हारी पार्टी हमेशा मस्त होती है। माफ करना मुझे लेट आने के लिए। अरे कोई बात नहीं, आ गए बहुत अच्छा हुआ। धंधा पानी बिजनेस आजकल ढीला है मेरे दोस्त, बारबेरियन दरवाजे पर है, अभी वक्त है पार्टी करने का, दारू पीने का। मर्सिडीज, ये कौन है? रिकार्डो डियास। मर्सिडीज, इधर आ जाओ। अरे नहीं, मैं अपने दोस्त के साथ घर जा रही हूँ, बाद में मिलती हूँ रिकार्डो डियास। चलो टॉमी, यहाँ से चलते हैं, तुम मुझे क्लब में छोड़ दो, जल्दी चलो। तो मर्सिडीज, हम चलते हैं, ठीक है? तुम्हें मैं क्लब में छोड़ता हूँ। अरे ठीक है, जल्दी चलो। अरे हाँ, उस लाल गाड़ी में चलते हैं, तो आ जाओ, जल्दी से बैठो, जल्दी से बैठ जाओ। अरे हाँ हाँ, बैठ रही हूँ, रुको। अरे रुको तो सही, अरे अरे रुको यार। तो अब चलते हैं। हे टॉमी, क्या तुम मेरे पापा के लिए काम कर रहे हो? शायद। शायद से क्या मतलब है तुम्हारा? अब तुम बहुत अमीर बनने वाले हो, इसका मतलब मेरा बाप दुनिया का सबसे अमीर तरीन बाप है। अरे हाँ मालूम है मुझे। तो तुम भी अमीर बनने वाले हो? अरे वो तो किस्मत बताएगी ना मर्सिडीज, तुम चुप होके बैठ जाओ यार। अगर बोलने का इतना ही शौक है तो मेरे व्यूवर्स को कह दो कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हे व्यूवर्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, बाद में मिलती हूँ हैंडसम। अरे हाँ ठीक है, तुम जाओ। तो ठीक है गाइज, पहला मिशन कंप्लीट हो चुका है और मिलते हैं अगले मिशन में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो आपको यह GTA Vice City का पहला मिशन कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।